दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपने ही स्पोर्ट्स चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस नॉर की टीम के बारे में। ये पाकिस्तान की प्रैक्टिस मैचेज है, इंग्लैंड की जो डोमेस्टिक टीम होती है उनके खिलाफ है दोस्तों। तो पिछला मैच इनका कैंड के खिलाफ हुआ था पाकिस्तान का। चलिए बात है क्या हो सकती है प्ले इलेवन, क्या परफॉर्मेंस रहा प्लेयर्स का, और एक बात इसमें आपको प्लेयर्स पर टीम मिलेगी और ड्रीम इलेवन दोनों की टीम मिलेगी दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं। तो उससे पहले आपको बताता हूँ ये मेरा स्पोर्ट्स चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाए। यहाँ मैं सारी अपडेट न्यूजेज और जो इम्पोर्टेंट न्यूज आती है फाइनल टीम ड्रीम इलेवन की सब यहाँ देता हूँ दोस्तों। आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है क्योंकि फाइनल टीम आपको यहीं मिलेगी ड्रीम इलेवन की, क्योंकि टॉस के बाद जो आती है लाइनअप मतलब प्ले इलेवन आ जाती है। तो यहाँ मैं आपको सारी न्यूज देता हूँ, बहुत सारे न्यूज बताता हूँ आपको, यहाँ दे सकते हैं बहुत सारे, यहाँ दे सकते हैं पूरी यहाँ कवर हो जाती है दोस्तों। ज्वाइन करना ज़रूरी है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों नॉर के पिछला मैच का स्क्वाड ये था, प्ले में मैच यही होनी चाहिए। रिचर्ड लेवी है, बेन कुरान है, जेसुआ कोब है, एलेक्स वेकली, एडम विकेट कीपर, रॉब है, एंड लुक प्रॉक्टर है, हॉलैंड है, नाथन बक है, बेन सैंडरसन है, एंड मुजरबानी दोस्तों। दोस्तों ये दोनों टीमें ने अपना ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस नहीं किया कि मतलब यही खेलेंगे और यही प्ले होनी चाहिए। मैं जो पिछला इनका नॉर्थ का टीम का था प्ले उसी हिसाब से जा रहा हूँ। और पाकिस्तान की तो जो अपनी टीम लेकर आई है अपने पाकिस्तान कंट्री से वही आई, वही उसी में से खेले, कोई प्ले में खेलेगा। तो नॉर की परफॉर्मेंस देख लीजिए, अलेवी ओपनिंग करते हैं, 19 ने पारी खेली, बेन कुरान है, जैसे क्या बॉलिंग भी करते हैं कौ दोस्तों, 9/10 वो कम्पली बॉलिंग करेंगे। फिर वेकली है, रॉब है, आप देख सकते हैं एडम, अच्छे आइटम बहुत अच्छे बैट्समैन है दोस्तों, इनको पिक कर सकते हैं लेकिन पिछला मैच ख़राब रहा। फिर लुक है, अब बॉलिंग परफॉर्मेंस बात कर लेते हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस के बारे में आप देख सकते हैं, और जैसे क्या पूरे 10 ओवर वाला वो बॉलिंग करेंगे, 2 विकेट भी निकालते हैं निकाल लिए। रॉब है, नाथन बक है, बेन सैंडरसन है, मेहरबानी है, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की क्या हो सकती है प्लेयर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पाकिस्तान की प्लेयर में क्या थी, इमानुल हक, फाकर जवान, बाबर अजम, हारिस सोहेल, सोएब मलिक, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, हसन अली, यासिर शाह, शाहीन अफरीदी। तो दोस्तों ये पाकिस्तान प्रैक्टिस में इसीलिए खेल रही है इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होने वाला है और वो अपना टीम कुछ टीम परमिशन बनाना चाहती है, इसलिए किसी को भी ड्रॉप किया जा सकता है दोस्तों। फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, रिस्की ज़्यादा मैच रिस्की है दोस्तों, कोई भी खेल सकता है क्योंकि उनको अपना बेस्ट इलेवन फाइंड करना है, इसीलिए पाकिस्तान ये खेल रहा है प्रैक्टिस मैच खेल रहा है। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों ये मैंने अच्छा परफॉर्म किया फाकर जवान में, फिर हारिस सोहेल है, सोएब मलिक है, इमाद वसीम है, आप देख सकते हैं। अब बॉलिंग परफॉर्मेंस बात करें तो यासिर शाह 3 विकेट निकाल, फाकर जवान, हसन अली, फहीम अशरफ। तो बात कर ले इम्पोर्टेंट प्लेयर क्या हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ की इम्पोर्टेंट प्लेयर बात करें तो मेरे ख्याल से इमानुल हक तो ओपनिंग करेंगे, वो तो कन्फर्म है खेलेंगे। फाकर जवान को ड्रॉप किया जा सकता है, फिर बाबर अजम तो इम्पोर्टेंट नहीं, इनको खेलेंगे ही। फिर सरफराज अहमद ये तो कैप्टन है तो खेलेंगे ही। फिर सोएब मलिक ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बच्चे इमाद वसीम को भी ड्रॉप किया जा सकता है क्योंकि ऐसा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर उनको चांस दिया जा सकता है क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस हो रहा है। बॉलिंग बात कर ले तो बॉलिंग में हसन अली इम्पोर्टेंट नहीं खेलेंगे, यहाँ से सही इम्पोर्टेंट खेलेंगे, एंड यहाँ से आप शाहीन अफरीदी भी है, अब ये सब इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं दोस्तों, आप मान सकते हैं। फाकर जमीन को भी पिक कर सकते हैं, फिर मैं सेफ टीम देने की कोशिश करूँगा। चलिए बात कर लेते हैं प्ले स्पोर्ट टीम की। तो दोस्तों ये प्ले स्पोर्ट एप्लीकेशन है, यहाँ आपको टॉस से मात्र 10 मिनट पहले डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, मतलब प्ले इलेवन नहीं पता चलेगी। तो आपको पूरा सेफ प्लेइंग बनना होगा, कोई प्लेयर ड्रॉप हो सकता है, ये मैच रिस्की है, इसलिए आपको बड़े आराम से पर सोच समझ खेलना होगा, कम इन्वेस्ट कीजिए इसमें। ये बात कर ले कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, विनिंग ज़्यादा होती क्योंकि कंपटीशन कम है दोस्तों। अभी आपको 100 रुपीज़ फ्री भी दे रहा है खेलने के लिए, कैसे मिलेगा, जैसे आप किसी का रेफरल कोड यूज़ करें साइनअप कीजिएगा तो आपको 100 रुपीज़
मिल जाएगा। और ये 100 रुपीज़ कोई भी लीग में लगा भी सकते हैं, क्योंकि 100% बोनस यूजेबल है दोस्तों। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो 100% बोनस यूज कर देता है, देता भी है तो ओनली स्मॉल लीग में देता है, ग्रैंड लीग में नहीं देता है। ये सारे लीग सॉरी अब जो एप्लीकेशन है वो ग्रैंड लीग में देते हैं, स्मॉल लीग में देते हैं, लेकिन ये सब में स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सब में देता है, एप्लीकेशन यूज करने देता है बोनस, सारे बोनस कोई भी लीग में देता है यूज करने। तो टीम के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्क्वाड भी देख लीजिए क्रिकबज का के अनुसार क्या नॉर का पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एलेक्स वेकली है, एडम है, रिचर्ड लेवी, बेन कुरान, जसुआ, रॉब, लुक नाथम्बक, जेसन होल्डर, ब्रेसिंग मुजबानी, बेन सैंडरसन, रॉब, इन्हीं से पिक कीजिएगा। चलिए बात करते हैं, प्लेयर बना रहे थे अभी। तो दोस्तों मैंने यहाँ से सरफराज अहमद पिक किया, आप चाहे एडम को पिक कर सकते हैं, ऑलराउंडर मैंने जेसन होल्डर को पिक किया है, जिस जो स्कोप को पिक किया है, सोमेल को पिक किया, और ऑप्शन में फाहिम अशरफ है, मीमांद वासिफ जो पिछले मैच हीरो हीरो थे इनको पिक कर सकते हैं, मोहम्मद हाफिज़ भी खेल सकते हैं लेकिन थोड़े हल्के रिस्की हो सकते हैं। बॉलर बात हो तो मैंने बेन सैंडरसन को पिक किया है, हसन अली को पिक किया है एंड यासिर शाह को पिक किया। ऑप्शन में आपके पास शाहीन अफरीदी है, इनको पिक कर सकते हैं, एंड आप मुजरवानी इनको पिक कर सकते हैं। बैटिंग मैंने बाबर आजम को पिक किया, फखर जमान को पिक किया, इमरान उल्लाह को पिक किया है एंड रॉब को पिक किया। ऑप्शन में आप रिचर्ड लेवी है, इनको पिक कर सकते हैं एंड हरीश सोहेल, इनको भी पिक कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये मेरी टीम यही रहेगी। एलेक्स वेकली भी है, इनको भी पिक कर सकते हैं। कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन में रहेंगे वेज कैप्टन, यहाँ से मैं कैप्टन रहेंगे बाबर आजम, और वाइस कैप्टन रहेंगे मेरे, ऑलराउंडर लेना पसंद करूँगा जैसन होल्डर, कॉप को भी ले सकते जो बैटिंग में दोनों करेंगे, कॉप को ले लीजिए, बाबर आजम मेरे कैप्टन रहेंगे, ये सेव कर ली दोस्तों। तो ये प्लेस वर्क टीम है दोस्तों। चलिए बात करते हैं ड्रीम टीम की। तो दोस्तों ड्रीम टीम फाइनल नहीं होगी, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, क्योंकि टॉस के बाद जो आती है प्ले 11 उसके हिसाब से मैं टीम बनाता हूँ, क्योंकि कोई भी चेंज हो जाता हो सकता है दोस्तों ये मैच है मैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से सरफराज अहमद को पिक किया, क्रिएटिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ से मैंने बाबर आजम को पिक किया, आप चाहे इमरान को पिक कर सकते हैं, सोमेल को पिक कर सकते हैं, वेकली को पिक कर सकते हैं, मैंने हरीश सोहेल को पिक किया है, फाकर जोन को पिक किया कर लिया है और अरब को पिक कर लिया है। ऑलराउंडर मैंने पिक किया है इमाद वासिम, होल्डर को पिक किया है इमाद कॉप को पिक किया है, इमाद वासिम को पिक किया है, क्योंकि इमाद वासिम पिक किया है क्योंकि इसमें प्लेन टॉस टॉस के बाद जो आ जाएगी प्लेन पता चल जाएगी इमाद वासिम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इसलिए पिक कर लिया, नहीं खेला हटा दूंगा मैं। ऑलराउंडर मैंने सॉरी बॉलिंग पिक किया, हसन अली को पिक किया है एंड यासिर शाह को पिक किया है और यहाँ से बेन सैंडरसन को पिक किया है। तो ये टीम नहीं, कैप्टन वही मेरे सेम रहेंगे, वेज मेरे बाबर आजम, वाइस कैप्टन सेम मेरे रहेंगे, कॉब रहेंगे दोस्तों, आप होल्डर को बना सकते हैं, ये टीम सेव होगी मेरी ड्रीम इलेवन की दोस्तों। फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मैं टॉस के बाद ही जो आएगी प्लेन वही दूंगा ड्रीम अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, वीडियो शेयर भी जरूर कर दें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।